देश भर में लॉकडाउन होने के बाद भी ईद का त्यौहार सोमवार को काफ़ी उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। कोरोना के खतरे को देखते हुए मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपने अपने घरों में ही ईद की नमाज अदा की। वहीं सरकारी गाइडलाइन एवं जिला प्रशासन के आदेश के बाद शहर के सभी खानकाह, ईदगाह एवं मस्जिदों में ताला लटका रहा। ईद की सामूहिक नमाज के बदले लोगों ने दो एकात नमाज घरों में ही अदा की और रब से वैश्विक महामारी कोरोना से निजात के लिए दुआ मांगी। ईद की सामूहिक नमाज के बदले लोगों ने रकात नमाज घरों पर ही अदा की और रब से वैश्विक महामारी कोरोना से निजात के लिए दुआ मांगी। तो वहीं ईद के मौके पर गुलजार रहने वाले ईदगाहों एवं मस्जिदों में सन्नाटा पसरा रहा। कहीं भी मेला का माहौल नहीं दिखा। इस दौरान छोटे छोटे बच्चों ने घरों में ही रहकर ईद की खुशियां मनाई। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मुस्लिम भाइयों ने ईद की मुबारकबाद दी। इधर लॉकडाउन के बीच भागलपुर में लोगों ने किस तरह मनाई ईद और कैसा दिखा ईदगाह, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता सैयद इनामुद्दीन ने। आज ईद का त्यौहार है, लेकिन कोरोना काल का असर इस त्यौहार पर भी साफ देखा जा सकता है। इस वक्त हम मौजूद हैं भागलपुर के तातारपुर चौक पर और आपको हम मस्जिद दिखाते हैं तातारपुर की, कि इस मस्जिद में ईद की नमाज में हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ हुआ करती थी। लोग सामूहिक रूप से नमाज अदा करते थे, सड़क पर भी नमाजियों की काफ़ी भीड़ होती थी। लेकिन आज जो कोरोना काल जो चल रहा है, वैश्विक महामारी कोरोना जो है, तो उसका इम्पैक्ट यहाँ पर पर्व त्यौहार पर भी दिख रहा है। साथ ही अगर बात करें सुरक्षा की, तो सुरक्षा की देख सकते हैं जिला प्रशासन की ओर से, पुलिस प्रशासन की ओर से चाक चौबंद व्यवस्था की गई है और ईद को लेकर के विशेष निगरानी बरती जा रही है, सतर्कता बरती जा रही है। एसएसपी आशीष भारती के निर्देश पर सभी थाने की पुलिस अपने अपने क्षेत्र में जो धार्मिक स्थल है, जहां मस्जिद है, खानकाह है, वहां पर विशेष चौकसी कर रहे हैं। हम आपको दूसरे जगह की ईदगाह की भी तस्वीर दिखाएंगे कि ईद में उस ईदगाह कैसा दिख रहा है और जो अल्पसंख्यक मोहल्ले हैं उसकी तस्वीर क्या है। चलिए, शांति, भाईचारा और मोहब्बत का पैगाम देने वाला ईद उल फित्र देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोग ईद मना रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं भागलपुर के बरहपुरा ईदगाह में और हम आपको ईदगाह की तस्वीर दिखा रहे हैं कि जब ईद की यहाँ पर नमाज होती थी, बकरीद की नमाज होती थी, तो हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ होती थी। लोगों का हुजूम ईदगाह की ओर उमड़ता था और लोग ईदगाह में आते थे। इस बरहपुरा ईदगाह में हजारों की संख्या में लोग नमाज अदा करते थे सामूहिक रूप से, लेकिन लॉकडाउन का यह प्रभाव है, इम्पैक्ट है कि यहाँ सामूहिक नमाज नहीं हुई है और लोग अपने अपने घरों में ही ईद की खुशियाँ मना रहे हैं। हालांकि लॉकडाउन के कारण ईद की खुशी कुछ फीकी ज़रूर हुई है और लेकिन लोग सोशल साइट्स के माध्यम से, सोशल मीडिया का प्रयोग करके एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं और इस लॉकडाउन में जो ईद पड़ा है इसके कारण लोग एक दूसरे के घर भी नहीं आ रहे। हम आपको बरहपुरा ईदगाह की तस्वीर दिखाते हैं कि यहाँ पर जब ईदगाह में ईद के दिन काफ़ी संख्या में दुकानें लगती थी, मेले जैसा माहौल रहता था, छोटे छोटे बच्चे आते थे, लेकिन पूरा ईदगाह मैदान आप देख सकते हैं कि किस तरह से सुनना पड़ा है और लोग अपने अपने घरों में ही हैं और ईद की खुशी मना रहे हैं। साथ ही साथ देश में कोरोना वायरस का संक्रमण ना फैले, इसके लिए भी ईद में लोगों ने नमाज पढ़ी और नमाज के बाद जो दुआ की, तो दुआ में देश की तरक्की के लिए, देश की उन्नति के लिए लोगों ने दुआएं मांगी। हम भी आपसे अपील करते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सरकारी दिशा निर्देश का पालन करें। सिल्क टीवी परिवार की ओर से आप सभी दर्शकों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएँ। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुमित के साथ सैयद इनामुद्दीन, सिल्क टीवी, भागलपुर। कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासियों को गृह राज्य वापस लाने के बाद 21 दिनों तक क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाता है। ऐसे में क्वारंटाइन सेंटरों में प्रवासियों की मिल रही सुविधा का जायजा लेने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को पिस्ता चौक के समीप एक प्राइवेट स्कूल में बने क्वारंटाइन सेंटर पर रह रहे लोगों से बात की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान जिलाधिकारी प्रणव कुमार भी सेंटर पर मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिलाधिकारी से सेंटर में मिल रही सुविधाओं जैसे शौचालय, पेयजल एवं साफ सफाई के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि भागलपुर एवं मुंगेर में कपड़ा उद्योग, खासकर सिल्क के उद्योग की बहुत संभावनाएं हैं, क्योंकि भागलपुर का सिल्क पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इस दौरान प्रवासियों को रोजगार दिलाने के लिए मुख्यमंत्री ने पदाधिकारियों को भागलपुर में सिल्क उद्योग की क्षमता को जानने एवं आगे की कार्रवाई तेज करने का निर्देश दिया।
साथ ही सीएम ने सभी प्रवासियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए अधिकारियों को सभी प्रवासियों का सर्वे करने का निर्देश दिया। सीएम ने कहा कि सभी प्रवासियों को बिहार में ही रोजगार उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके बाद किसी को कमाने के लिए दूसरे राज्य नहीं जाना पड़ेगा। सीएम ने कहा कि सरकार संकट की इस घड़ी में जनता के साथ है और जनता के जरूरतों को समझती है। 4 मई से अब तक भागलपुर पहुंचे प्रवासी मजदूरों को प्रखंड क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया गया, जबकि शहरी क्षेत्रों में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में भी प्रवासी मजदूरों को रखा गया है। सोमवार को बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 2643 हो गई, जबकि पिछले 22 दिनों में करीब 2200 कोरोना संक्रमित मरीज अब तक पाए जा चुके हैं। बिहार में 22 मार्च को पहले कोरोना संक्रमित मरीज की पुष्टि हुई थी, जबकि 3 मई तक यह आंकड़ा 500 के आंकड़ों को पार कर चुका था, लेकिन प्रवासी मजदूरों के आगमन के साथ कोरोना संक्रमितों की संख्या में काफी वृद्धि हुई। लॉकडाउन में दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासियों को लाने का सिलसिला तेज हो गया है। देश के विभिन्न राज्यों से ट्रेन प्रतिदिन श्रमिकों को लेकर भागलपुर पहुंच रही है। इसी कड़ी में सोमवार को 3 श्रमिक स्पेशल ट्रेन भागलपुर पहुंची, 2 ट्रेन बेंगलुरु से जबकि 1 ट्रेन जयपुर से श्रमिकों को लेकर भागलपुर आई। श्रमिक स्पेशल ट्रेन के भागलपुर जंक्शन पहुंचते ही वहां मौजूद स्वास्थ्यकर्मी, रेलकर्मी एवं जिला प्रशासन के अधिकारियों द्वारा ताली बजाकर श्रमिकों का स्वागत किया गया, जिसके बाद कतारबद्ध तरीके से सभी श्रमिकों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। इस दौरान सभी प्रवासियों को अल्पाहार एवं पानी भी दिया गया। वहीं सभी श्रमिकों के सामान को निगमकर्मी द्वारा सैनिटाइज भी किया गया, जिसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए सभी श्रमिकों को बसों से क्वारंटाइन सेंटर ले जाया गया। बता दें कि दूसरे राज्यों से आए प्रवासी को 21 दिनों तक क्वारंटाइन सेंटरों में रखा जाएगा। क्वारंटाइन की अवधि पूरी होने के बाद ही श्रमिकों को घर जाने की अनुमति दी जाएगी। कोरोना जैसी जानलेवा बीमारी के बीच जिला परिषद उपाध्यक्ष आरती कुमारी लगातार कई दिनों से आम जनों के बीच राशन वितरण के साथ साथ सैनिटाइजेशन भी करवा रही हैं। आरती कुमारी लगातार बीमार एवं जरूरतमंदों को दवाइयां पहुंचा रही हैं। इस महामारी में जहां सारे नेता अपनी वाहवाही करने में लगे हैं, वहीं आरती कुमारी अपनी पूरी टीम के साथ जनता की सेवा में लगी हैं और विभिन्न क्षेत्रों में घूम घूम कर भूखों को खाना मुहैया करा रही हैं। पति प्रदीप यादव भी कदम से कदम मिलाकर जनसेवा में लगे हैं और लगातार गरीबों और जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। हम सभी शहरवासियों से अपील करते हैं कि लॉकडाउन का पालन करें एवं कोरोना को हराने के लिए हमेशा हाथ धोते रहें एवं मास्क जरूर लगावें। लॉकडाउन के बीच जहां एक तरफ आम से खास लोग गरीबों की मदद में जुटे हैं, वहीं जदयू नेता पप्पू मंडल एवं मुखिया संघ अध्यक्ष आशा देवी इस मुहिम में सबसे आगे हैं। नाथनगर, जगदीशपुर एवं सबौर प्रखंड में पप्पू मंडल के द्वारा जरूरतमंदों के बीच लगातार राशन वितरण किया जा रहा है। कोरोना के प्रभाव को कम करने के लिए सभी क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन भी किया जा रहा है। एक भी गरीब भूखा न रहे, इसी संकल्प के साथ पप्पू मंडल खुद राशन वितरण कर रहे हैं। आज हजारों लोगों के लिए पप्पू मंडल व मुखिया संघ अध्यक्ष आशा देवी किसी फरिश्ते से कम नहीं हैं। जदयू नेता पप्पू मंडल आप सभी आम जनों से अपील करते हैं कि लॉकडाउन का पालन करें एवं कोरोना को हराने में सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। नमस्ते, केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ आपसे अपील करती है कि कोरोना वायरस से बचें। कोरोना वायरस से बचने के लिए बार बार हाथ धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह से बचें। खांसते या छींकते समय टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें और वो यूज किया हुआ टिश्यू पेपर तुरंत ढक्कन डाल कचरे के डब्बे में फेंक दें। कहीं भी जाएं तो मास्क लगा के जाएं। किसी को खांसी, सर्दी या सांस लेने में प्रॉब्लम हो तो उससे 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। अपने गंदे हाथ आँख नाक मुंह में ना सटाएं। आपको ये छोटी छोटी सावधानी आपको बहुत काम आ सकती है। क्या आपको कान, नाक या गले में कोई समस्या है, जैसे कान बहना, सुनने में परेशानी, कान में दर्द, गले की खराश, गले में दर्द,
थायराइड, नाक का मांस बढ़ना या एलर्जी इत्यादि है तो समस्या के निदान हेतु आपके शहर में विश्व स्तरीय अस्पताल एडवांस ईएनटी हॉस्पिटल, जिसमें अति आधुनिक उपकरणों द्वारा उपचार डॉक्टर एच आई फारूक की देखरेख में किया जाता है। डिजिटल एक्सरे एवं कंप्लीट ऑडियोलॉजिकल प्रोफाइल की व्यवस्था, साउंड प्रूफ परिवेश में बेरा, ऑटो एकॉस्टिक इमिशन, टेम्पोनोमेट्री जांच की जाती है और हाँ, एक दिन के बच्चे की भी सुनाई का आकलन किया जा सकता है। बिना तार वाली कान के अंदर लगने वाली सूक्ष्म देसी विदेशी सुनाई की मशीन भी उपलब्ध है। विदेशी मशीनों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर तथा पेशेंट के रहने के लिए एसी नॉन एसी जनरल वार्ड उपलब्ध है। चंपा नाला पुल के निकट चंपा नगर भागलपुर। एक ओर जहां लॉकडाउन के कारण लोगों को खाने पीने की समस्या सताने लगी है, वहीं कोरोना महामारी से लगातार बढ़ रहे लॉकडाउन के दौरान अब लोगों को शव जलाने तक के लिए भी मदद का मोहताज होना पड़ रहा है। भागलपुर इसाकचक थाना क्षेत्र के वार्ड 48 निवासी गुड्डू मंडल की मौत 2 दिन पूर्व हो गई थी, जिसके बाद आर्थिक रूप से कमजोर परिवार होने के कारण मृतक के परिजनों ने घर में ही गड्ढा खोदकर शव दफन कर दिया। मृतक के भाई और भतीजे ने कहा कि गुड्डू मंडल को मिर्गी की बीमारी थी और आर्थिक रूप से दयनीय हालत होने के कारण घर के आंगन में ही शव को दफन कर दिया गया। बाद में जब पुलिस को मामले की सूचना मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और शव को गड्ढे से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हालांकि इस बात की जानकारी जब नाथनगर के समाजसेवी विजय कुमार यादव को मिली तो वो मृतक के घर पहुंचे और मृतक गुड्डू मंडल के परिजनों को राशन सामग्री के साथ आर्थिक सहायता मुहैया कराया। विजय यादव ने कहा कि मृतक के परिवार की हालत बहुत बुरी है और इसको देखते हुए श्राद्ध कर्म के लिए परिवार के सदस्यों को आर्थिक मदद दी जाएगी। जी, मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से और न्यूज़ चैनल के माध्यम से कल पता चला कि जो है कोई आदमी जो एक डेट कर गया था, ये इसाकचक थाने के अंतर्गत आता है और उसमें जब मुझे पता चला तो मैं तत्काल इसाकचक थाना प्रभारी से मैंने संपर्क किया और उनके घर पर गया। घर पर जाने के बाद जो है देखा उसकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी और उसी के वजह से वो जो डेट हो गया था तो उनका चचा और भतीजा दोनों मिलकर उनको घर में ही दफना दिया गया था। ठीक है, तो उसके बाद जब मैं वहाँ पे मतलब प्रशासन को पता चला तो उसको जो है मतलब पोस्टमार्टम के लिए लेते गया था और मैं जब उसके घर पे गया तो उसकी स्थिति देखते हुए मैं उनको 1 महीने का राशन और कुछ आर्थिक मदद भी दिया और तत्काल उनके श्राद्ध में जो भी खर्च आएगा उनके श्राद्ध के लिए मैं सारा खर्च उसका अपने माथे पर बियर करने के लिए उससे मैं संतावना देकर आया और मैं करूँगा भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का पीएम बनने से 6 साल पूरे हो गए और इसको लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह का माहौल है। भागलपुर के तिलकामांझी स्थित अद्वितीय सिलाई सेंटर में भाजपा नेत्री सह संस्था की महासचिव अंजलि घोष समेत कई भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हुए शवों से लॉकडाउन एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की। पूर्व उप महापौर डॉक्टर प्रीति शंकर ने संस्था के सदस्यों द्वारा मास्क तैयार करने के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि मोदी सरकार के 6 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भगवा रंग का मास्क बनाया जा रहा है जिसे सभी भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच वितरित किया जाएगा। साथ ही डॉक्टर प्रीति शंकर ने संस्था के द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की और आगे भी स्वरोजगार को बढ़ावा देने की अपील की। इस मौके पर सरिता देवी, प्रीति कुमारी, अनुप्रिया, पूजा, दीपिका समेत कई महिलाएं मौजूद थी। इसकी संचालिका श्रीमती अंजलि घोष जी, जो कि हमारे भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं, वो अपने यहाँ पर संस्थान में कई महिलाओं के ग्रुप समूह के साथ मास्क बनाने का कार्य कर रही हैं और कोरोना जैसे वैश्विक महामारी के संकट में जहाँ पर हर किसी को स्वस्थ रखना और खुद स्वस्थ रहना ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, ऐसी परिस्थिति में अंजलि जी का यह प्रयास बहुत ही सराहनीय है। लॉकडाउन के दौरान लगातार जरूरतमंदों की सेवा करने वाले भागलपुर नाथनगर के समाज सेवी विजय कुमार यादव अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन बढ़ चढ़कर कर रहे हैं। इसी कड़ी में रविवार की देर रात्रि एवं सोमवार को आपसी भाईचारा के त्यौहार ईद उल फितर को लेकर विजय यादव मुस्लिम परिवारों के बीच दूध समेत कई सामग्रियों का वितरण किया। विजय यादव ने मुस्लिम परिवारों के बीच दूध समेत कई सामग्रियों का वितरण किया।
जिले के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में ईद मनाने के लिए विजय यादव द्वारा आवश्यक सामग्री का वितरण करने पर समाज के लोगों ने जमकर सराहना की। विजय यादव ने कहा कि लॉकडाउन में कई ऐसे परिवार हैं जिनकी आर्थिक स्थिति काफी कमजोर हो गई है और ईद मनाने में किसी को परेशानी न हो इसके लिए सामग्री वितरित कर सामाजिक दायित्व का निर्वहन किया गया। जी बिल्कुल, मैं लॉकडाउन पीरियड में 27 मार्च से अभी तक लगा हुआ हूँ और ये रमज़ान का महीना है और ईद के मौके पे मैंने सारे मुस्लिम भाइयों के बीच कल से लेकर आज तक सभी लोगों को सेवई और दूध वितरण कर रहा हूँ। ठीक है, सारे लोगों को कल सुबह से जो मैं शुरू किया था रात 11 बजे तक और आज सुबह से दिन 12 बजे तक सभी लोगों को मैंने सेवई और दूध भागलपुर के विभिन्न क्षेत्र में, जैसे कि जगदेशपुर हो गया, भागलपुर के जगह जगह जहाँ भी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है उस जगह पे चले गए, अकबर नगर, सुल्तानगंज, प्रत्येक जगह पे करीब मैंने 2000 पैकेट जो है दूध और सेवई सभी लोगों को मैंने वितरण किया। कोरोना वायरस से बचाव के लिए लगाए गए लॉकडाउन में गरीब एवं मजदूर वर्गीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। संकट की इस घड़ी में सामाजिक संगठनों एवं युवाओं द्वारा लगातार राहत सामग्री का वितरण किया जा रहा है। इसी कड़ी में सुल्तानगंज के युवा समाज सेवी प्रियदर्शी पीयूष लगातार 2 महीने से जरूरतमंदों की सेवा कर रहे हैं। युवा नेता पीयूष ने बताया कि गरीबों की मदद करना मानव का सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में गरीब परिवारों को चिन्हित कर राशन के साथ आर्थिक मदद भी दी जा रही है। साथ ही प्रियदर्शी पीयूष ने बताया कि जब तक कोरोना का संकट टल नहीं जाता तब तक जनसेवा जारी रहेगी।